हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे जीआईएस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। जीआईएस मीन्स गैस इंसुलेटर स्विच गियर। यह एक मेटल इंक्लोज बॉक्स या कह सकते हैं यह एक मेटल इंक्लोज स्विच गियर होता है जिसमें हाई वोल्टेज कंपोनेंट लगे होते हैं। सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। इसको ऐसे जगह पर लगाते हैं जहां हायर से हायर वोल्टेज हैंडल करना पड़ता है या हायर वोल्टेज मॉनिटर एंड ऑपरेट करना पड़ता है। इसमें SF6 नाम का गैस भरा जाता है। आखिर GIS ही क्यों? GIS इसलिए लगाया जाता है कि अगर GIS के बिना हम ऐसे करते हैं तो बड़ा बड़ा स्विच गियर लगेगा और बड़े बड़े स्विच गियर को लगाना और ऑपरेट करना बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके लिए हम GIS का उपयोग करते हैं। GIS में एक SF6 नाम का गैस भरा रहता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और सुरक्षितजनक होता है। इसको उपयोग अच्छे से होता है और इसको शॉर्ट सर्किट और ऑपरेट करने में दिक्कत नहीं होता है, इसलिए हम GIS का ज़्यादा उपयोग करते हैं। और ये GIS कम से कम जगह पर इंस्टॉल कर सकते हैं और मॉनिटरिंग के लिए भी अच्छी है। और इसमें पैनल रहता है जो आसानी से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं और रीडिंग कर सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसको PLC प्रोग्रामिंग किया गया रहता है। PLC प्रोग्रामिंग में आप देख सकते हैं किधर क्या प्रॉब्लम है और कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम अच्छे से देख सकते हैं। इसलिए हम GIS का उपयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए ये हमारा पैनल है और ये अपना हाइड्रो प्रोजेक्ट का पैनल है। इसको अच्छे से बेहतरीन असेंबल किया गया है और आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। थैंक यू।